धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। जी मेरे प्यारे।
Hey।
हर प्रभु मेरा चोज जियो, हर प्रभु मेरा चोज जियो, हर प्रभु मेरा चोज जियो जियो, चोज मेरे मेरे गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक इस शब्द में निरंकार की उस्तत कर रहे हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और उस्तत करते करते अंत में एक बड़ा ही प्यारा पॉइंट ज्ञान का भी दे गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो आखिर में पॉइंट गुरु रामदास जी ने दर्शाया इस शब्द में, वो इस जीवन की, हमारे जीवन की फिलॉसफी है कि हमारा मकसद क्या है, वो दर्शाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चो जी मेरे गोविंदा, चो जी मेरे प्यारे, हर प्रभु मेरा चो जी जी, चो जी सब कुछ करने वाला केवल वही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो संसार है उसका एक चोज है, हमारा जीवन उसका एक चोज है, एक बुझारत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिलॉसफी की बात करें तो इस जीवन को हर कोई समझ नहीं पाता जब तक गुरु का ज्ञान हासिल ना हो। कई प्रकार के गाने बने हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, गाने हैं ना पुराने, पर ऐसा नहीं है, तेरी मेरी कहानी नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत ऊँची, इस शरीर में वो समर्था है, इस आत्मा में परमात्मा बनने की समर्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहानियों के आगे का खेल है, बहुत कुछ है। हर आपे कान उपायंदा मेरे गोविंदा, कितनी प्यारी पंक्ति है। गुरु रामदास जी कह रहे हैं हे निरंकार, तू कृष्ण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और खुद ही कृष्ण बन के जन्म भी लिया है। आप पे कान उपायदा, कृष्ण को जन्म भी तूने दिया, कृष्ण भी तू ही है मेरे गोविंदा। हर आप पे गोपी खोजी जियो, और फिर कृष्ण जी को खोजने वाली जो गोपियाँ हैं वो भी तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यारी बात है, अगर विचार करने बैठो ना इस पंक्ति को लेके तो दिमाग हिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निरंकार भी तू है, कृष्ण जी को जन्म देने वाला भी तू है, कृष्ण भी तू है, और फिर गोपी बनकर कृष्ण को खोजने वाला भी तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस पॉइंट को अगर ध्यान से समझे, परमात्मा से आत्मा छोटी है वो गोपी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गोपी कृष्ण को ढूंढ रही है, हम सब गोपियाँ ही हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे ज्ञान हो जाए, जिसकी कोई कीमती वस्तु छूट जाए ना, गुम जाए, मानो किसी की बहुत कीमती है, आज के ज़माने में समझो मोबाइल ही गुम जाए, आदमी का सर गुम जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ नहीं सोचता, मोबाइल मिल जाए बस, बीच में पता नहीं क्या क्या था, और वो कुछ भी काम करता उसका ध्यान मोबाइल में ही होगा, काश मिल जाए। इस पॉइंट को ही ले लो, जिसे ज्ञान हो जाए ना, संतों महापुरुषों को ज्ञान हो जाता है कि हमसे बहुत कीमती चीज़ छूटी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए उनकी सुरत परमात्मा से जुड़ी रहती है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि हम बहुत कहाँ से छूटे हुए, क्या हमने गवाया है, सबसे बेश कीमती चीज़ हम गवा बैठे हैं। इसीलिए उनकी सुरत नाम में जुड़ी रहती है, परमात्मा में लीन रहती है, चाहे वो जप रहे हों या ना जप रहे हों, सुरत परमात्मा को ढूंढती रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि गुम गया है, कुछ कुछ तो है जो नहीं है, ये एहसास होना ही उसके लिए ही बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर आपे सब घट भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो। सारे भोगों को भोगने वाला तू ही है, उसमें रस लेकर तू ही भोग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी भोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, गुरु रामदास जी कहते हैं तू ही भोग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आखिर में जो पॉइंट का है वो कमाल का है, ये ज्ञान लेना है। हर सुजान ना पुल्लई मेरे गोविंदा, जो दास ने पॉइंट कहा ना, कोई वस्तु गुम जाए ध्यान वहीं लगा रहता है, कहते हैं पर एक विलक्षणता है परमात्मा तुझ में जो हम में नहीं। क्या? भोग भोगते हुए भी तू जोगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भोगी होते हुए तू जोगी है, क्योंकि तेरी सुरत लीन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर सुजान ना पुल्ले, भोग भोगते हुए भी तुझे भूलता नहीं नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हर सुजान ना पुल्ले मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो। तू भोगी नहीं दिख रहा है, तू भोग भोग रहा है, पर भीतर से तू जोगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन का सफर, हमारे जीवन की शुरुआत भोग से हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वासना भी एक भोग है, उससे हमारा जन्म हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन की शुरुआत भोग, जीवन विलुप्त है भोगों में, हमारा हमारी मृत्यु भी भोगों में होगी, पर जो इस भोग से उठकर अपनी सुरत को जोग में ले जाए, यही सफर तय करना है, इस जीवन का यही मनोरथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो पॉइंट यहाँ पर कहने निरंकार का एक गुण, क्यों दिख रहा है तू भोगी पर है तू जोगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं ना मूर्ख, मूर्ख ही कहना पड़ेगा, दास ने पहले भी शायद बात बताई कि कृष्ण जी की 16,000 रानियां थी, वो भोगी थोड़ा थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके पीछे तो कहानी ही अलग है, वो तो जोगी थे। आपको वो घटना दास ने सुनाई थी ना, कृष्ण जी ने कहा, गोपियां जा रही थी महापुरुषों को भोजन खिलाने, नदी चढ़ी हुई थी, कहने की कैसे जाएं, कृष्ण जी के पास आ गए, आपने कहा कि महापुरुषों को भोजन खिला के आओ, पर नदी तो पानी चढ़ा हुआ है। कृष्ण जी कहने के, नदी से कह देना अगर कृष्ण जी जती हैं तो रास्ता दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गोपियों ने जाके नदी से कहा कि कृष्ण जी जती हैं तो रास्ता दे दो,
नदी ने रास्ता दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो भोगी हैं कि जोगी हैं? दिख रहे हैं भोगी, पर सुरत कहां पर है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए कुछ बातें दास कहने में संकोच करते हैं, पर जरूरी है तो दास कह देते हैं। काम वासना एक शरीर की जरूरत है, हमारा जन्म ही उससे हुआ है, पर सारा जीवन इसी में विलप्त रहना तो भोग भोगते भोगते ही मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अक्सर कोई उनके पास आता था ना उस जमाने में, कि एक जन्म एक बेटे ने जन्म ले लिया है, अब दूसरा बेटा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे अब जोगी हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहीं सारा जीवन इसी में खचत नहीं कर देना है, पॉइंट को समझना। जोग की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए भोग से उठना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोग केवल काम वासना के ही नहीं है, कानों का भोग है, रसना का भोग है, निंदा करना, निंदा सुननी, ये भोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी इंद्रियां भोग भोग रही हैं, इस भोग से उठकर जो सूरत को जोग की तरफ ले जाएगा, नाम में जोड़ेगा, वो जोगी कहलाता है। गल्ली जोग ना हुई शब्द है ना, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कही है सोई। दृष्टि को वहां तक लेके जाने के हर कोई एक समान दिखे, पापी और पुण्य भी, वो भी एक समान दिखने लग जाए, यहाँ तक पहुँचाना है सूरत को। गली बातों से जोग हासिल नहीं होगा, गली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई। हम दो पंक्तियाँ गा लेते, बड़े प्यारे शब्द है। गली जोग ना हुई, गली जोग ना हुई, गली जोग न होई, गली जोग न होई। एक दृष्ट कर समसर जाने, 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 जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग न होई, गल्ली जोग न होई। एक दृष्ट कर समसर जाने, 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 जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग न होई, गल्ली जोग न होई। तप करने से राज मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नाम जपेगा ना बहुत, हर एक के मन की इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत धन हो, बहुत अमीर हो, हर एक की लगभग इच्छा होती ही है। तो जो कोई नाम जपता है तो सबसे पहले उसे प्राप्ति होती है तो धन की होती है, क्योंकि सबसे छोटी चीज जो इस धरती पर है ना, जिसे हम सबसे बड़ा समझते हैं, वो धन ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कोई नाम जपता है तो सबसे पहले उसकी गरीबी दूर होती है। अगर नहीं हो रही कोई ऐसा है तो अपने में गलती ढूंढे, कहाँ कोई बड़ी गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
क्योंकि जपना तो मुश्किल है ही, संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम संभाल नहीं पाते, बात कहीं और चली जाएगी। तप करने से राज मिलता है और राज के बाद नरक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि राज में पाप होने लग जाते हैं। जिसके हाथ में ताकत आती है ना, गलत काम अपने आप होने लग जाते हैं। अगर वो नहीं करता तो उसके नाम पे दूसरे करते हैं, पाप उसके सर ही आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कोई विरला होता है जो राज के बाद राज में जोग कमा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे राजे जनक को राज जोगी कहा गया है, राज में रहते हुए भी उसकी सुरत राज में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी ऋषि महापुरुष हुए हैं, मुनि हुए हैं, जितने भी गुरु हैं, सुरत रह रहे हैं राजा बनकर, पर सुरत है जोगियों वाली, निर्लेप है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर है, इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से सुरत को ऊपर रखना वो जोगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर सुजान न भूल रही, सुजान कहे परमात्मा को, जो सारे भोग भोगते हुए भी जिसकी सुरत नाम में लीन रहे वो समझो जोगी। अगर आज हमारी ये अवस्था नहीं है तो इस अवस्था तक पहुंचना है अभ्यास से, हर कर्म करते हुए। मुझे महापुरुषों ने वचन किया था, रमच की बातें बता रहा हूँ मैं, महापुरुषों ने मुझे पर्सनली बुलाकर बड़ी गंभीरता से ये वचन किया था। कहते चाहे तू झाड़ू मार रहा हो, चाहे तू कीर्तन कर रहा हो, चाहे तू कोई सेवा कर रहा हो, चाहे किसी से बात कर रहा हो, चाहे कोई काम कर रहा है, चाहे बाथरूम में बैठा हो, तो बार बार अपने सुरत को नाम में लेके जाना है तूने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अभ्यास करना है बार बार। अगर तेरा ये अभ्यास कामयाब हो गया तो तेरा हर सेकंड भक्ति बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हम सबके लिए है, हर कार्य करते हुए बार बार ध्यान जाएगा भटकेगा, बार बार लाना है उसे। बाबा नानसेन जी का वचन याद कर लो ना, वो शिप जा रही है पानी में, पक्षी आके बैठ गया समुंदर में, अब उड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं मिल रही, फिर से आके बैठ जाता है, फिर उड़ता है। अभी बीच समुंदर में है नाव, उड़ जाता है कि कहीं जाके बैठूं, कोई जगह दिखती नहीं, फिर आके शिप में बैठ जाते। कहते हैं मन है उड़ेगा, मन का काम है, पर उसे बैठने की जगह मत दो भाव, उस ख्याल को फॉलो मत करने लग जाओ, उसे मोड़ कर लाओ, नहीं नहीं नाम में टिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन रिश्तेदारी में, दोस्तों में, मित्रों में कहीं कहीं जाएगा, पर उसे बार बार खींच के लाओ, ये अभ्यास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो पीछे जग जाते हैं मन के वो फेल हो जाते हैं, जो मन को मोड़ कर लाते हैं, चाहे थोड़ी देर बाद ही सही, मोड़ कर लाए तो सही। और महापुरुषों के बचाने में जब मोड़ के लाते रहोगे लाते रहोगे, एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि उड़ने से पहले पकड़ लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। हर सुजान न भूल रही
हर प्रभ मेरा जो जी जियो हर प्रभ मेरा जो जी जियो हर प्रभ मेरा जो Yeah.